नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावलम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज कल्प वृक्ष है, भाग चार पढ़ेंगे और आइए। एक है परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनश्वर है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। अनश्वर का मतलब कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, कभी भी नष्ट नहीं होने वाले को बोलते हैं अनश्वर, और नष्ट होने वाले को बोलते हैं नश्वर है। तो अनश्वर का विलोम शब्द है नश्वर है, और अस्मिन् सप्तमी विभक्ति एकवचन है इदम शब्द, और संसारे ये भी सप्तमी विभक्ति एकवचन संसार शब्द। तो अस्मिन् संसार, इस संसार में एक है परोपकार एवं, एक परोपकार ही अनश्वर है, नष्ट नहीं होने वाला है। यो युगांत पर्यंतम, यह जो युग के अंत तक, युगांत युग के अंत तक, जो युग के अंत तक यश है, प्रसूते है, यश उत्पन्न करता है। यश यश मीन्स यश, प्रसिद्धि, प्रसूते उत्पन्न करता है। तत् तो अस्माभिः ईदृशे कल्पतरु, किमर्थम रक्षते, हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जाती है। तो अस्माभिः, हमारे द्वारा, ईदृशे ऐसे कल्पतरु, कल्प वृक्ष की किमर्थम रक्षते, कैसे रक्षा की जाती है। यैश्च पूर्वै अयम्, जिन पूर्वजों के द्वारा, यैश्च और जिन पूर्वजों के द्वारा, अयम यह, मम मम मेरा मेरा, इति आग्रहेन, इस आग्रह से रक्षित है, रक्षा किया गया है। ते वे इदानीं कुत्र गता, अब कहां गए, वे अब कहां चले गए। तेषां कस्य अयम, उनका अयम यह, कस्य किसका, उनमें से अयम यह कस्य किसका है। असे इसके, ते वे के कौन है, इसके वे कौन है। तस्मात इसलिए, परोपकार एक फल सिद्धि, परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञया, तुम्हारी आज्ञा से, इमं कल्प पादपम, इस कल्प पादप की आराध्यामि, आराधना करता हूं, इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूं। तो आइए विद्यार्थियों, सबका हम प्रत्येक शब्द के बारे में जानना चाहते हैं। यो, तो इसमें विसर्ग संधि है, ये के विसर्ग आ जाएगी, ये का मतलब जो, जो युगांत पर्यंतम, युग के अंत तक, पर्यंतम का मतलब तक, युग के अंत तक, युग से अंत पर्यंतम, युग के अंत तक, यश यश को प्रसूते उत्पन्न करता है। तो तत् तो अस्माभिः, तृतीय विभक्ति बहुवचन अस्मत् शब्द, हमारे द्वारा ईदृश ऐसा कल्प वृक्ष किमर्थम रक्षते, कैसे रक्षा की जाती है, किसलिए रक्षा की जाती है। किमर्थम ये अव्यय शब्द है, ठीक है, और यही है, यही विसर्ग धन चय पूर्वी विसर्ग धन अयम, जिन पूर्वजों के द्वारा ये है, मेरा मेरा इस प्रकार आग्रह से रक्षा किया गया है। वे अब कहां चले गए हैं, गतः, गता में गम धातु है, कत प्रत्यय है और पुलिंग है, गम धातु कत प्रत्यय पुलिंग है। आगे तेषां कस्य अयम, उनमें ये किसका है, तेषां उनमें अयम ये है कस्य किसका है। ते वे अस्य इसके के कौन है, वे इसके कौन है। तस्मात इसलिए, परोपकार एक फल सिद्धये, परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञया, तुम्हारी आज्ञा से, इमं कल्प पादपम, इस कल्प वृक्ष की आराध्यामि, आराधना करता हूं, आराधना करता हूं। तो अब देखिए विद्यार्थियों, कीर्ति, इसका सिमिलर वर्ड है, पर्यायवाची शब्द यश है, कीर्ति मीन्स यश है, और कल्पतरु, कल्पतरु का सिमिलर वर्ड होगा कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। उदारे, उदारे का विलोम शब्द होगा कृपणई, यश है, यश का विलोम शब्द अपयश है, अनश्वर का विलोम शब्द नश्वर है, और इदानीम का पर्यायवाची शब्द होगा अधुना, और संप्रति,
पर धन उपकार है, परोपकार है गुण संधि है, परोपकार धन एक फल सिद्ध है वृद्धि संधि है, पूर्वी धन अयम यहाँ पर रोत्व विसर्ग संधि है, कस्य धन अयम दीर्घ संधि है, यही धन चय सचुत्व विसर्ग संधि है। अब प्रश्न देखिए, अस्मिन् संसारे के एन स्वरे यसे प्रसूते, इस संसार में कौन नष्ट नहीं होने वाला यश उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है, परोपकार है। तो यहाँ पर कह के स्थान पर हम आंसर क्या लिखेंगे, परोपकार है, परोपकार कभी भी नष्ट नहीं होने वाला यश उत्पन्न करता है। अत्र गद्यांशे परोपकारे फल सिद्धे किम क्रियते, यहाँ गद्यांश में परोपकार के फल की सिद्धि के लिए क्या किया जाता है, तो लिखेंगे आंसर अत्र गद्यांशे परोपकारे फल सिद्धे, परोपकारे फल सिद्धे आराध्यते, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका आंसर, आराध्यते, आराध्यते या आराध्नाम क्रियते, किमके स्थान पर क्या लिखेंगे, आराध्नाम भी लिख सकते हैं, आराधना, आराधना क्रियते, क्या अत्र गद्यांशे परोपकारे फल सिद्धे आराधनाम क्रियते, या तो ऐसा लिखें या अत्र गद्यांशे परोपकारे फल सिद्धे आराध्यते, इस प्रकार से आंसर लिखें। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।